अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। और आज फाइनली बेबी की सारी सीरीज ख़त्म हो चुकी हैं और सॉरी गले में थोड़ा सा परेशानी है, वायरल हो रखा है, मुझे थोड़ा सा गले में दर्द है और खांसी है। मैं मेडिसिन ले आई थी डॉक्टर से जाके, बट वो धीरे धीरे ही जाएगी। आज मैं इतनी तैयार आपको मैं क्यों हूँ, मैं इसलिए आज तैयार हूँ क्योंकि आप सब लोगों की बहुत डिमांड्स आ रही थी कि आपका ससुराल कहाँ का है, आप अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं दिखाती हो। तो फाइनली आज हमने डिसीजन लिया है कि आज हम अपने ससुराल जा रहे हैं। डिसीजन हमने नहीं लिया है, मेरी मम्मी का यानी कि मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था आज मेरे देवर का रोका है, तो वहाँ पर मम्मी ने कहा कि तुम लोगों को आना है दोपहर के टाइम पे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। आगे का व्यू कैसा होगा, क्या चीज़ होगी, वो मैं आपको वहाँ चल के सब कुछ बताऊँगी। और हो सका जितने लोगों से पॉसिबल हो सकता है मैं मिलवा दूंगी, और नहीं तो मैं आज आपको अपना ससुराल का घर दिखाऊंगी। आप लोगों की फरमाइश पे मैं अपने ससुराल का घर आपको दिखाने वाली हूँ, और वहाँ मैं आपको एक अप्पी नहीं एक बहू के नाते मिलूँगी। जैसे बुलबुल अप्पी मिलती हैं बाकायदा घूंघट में, और उसमें मैं भी आपको ऐसे ही मिलूँगी। तो चलिए चलते हैं मेरी ससुराल। और आवाज़ का क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। और मैंने ये सब चीज़ें पहनी हैं क्योंकि सिंपल सा एक रुका है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, गैदरिंग नहीं करी है, और बस हम लोग फैमिली मेंबर्स ही हैं जो होंगे वहाँ पर। देखती हूँ कैमरा उठा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अलग माहौल होता है, वहाँ बहुत शांतिपूर्वक रस्में होती हैं। यहाँ जितना हम लोग हु हल्ला करते हैं और ये सब करते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक बहुत सादगी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर जैसे आपको लोगों को लेडीज़ बहुत ज़्यादा दिखती हैं, मेरी ससुराल में आप लोगों को जेंट्स ज़्यादा दिखते हैं। और देखती हूँ कैमरे के सामने कौन कौन आ सकता है कौन कौन नहीं, मैं आप सबको मिलवाती हूँ दिखाती हूँ अपने यहाँ का माहौल। तो चलिए चलते हैं मेरी ससुराल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जी देखिए हम आ चुके हैं अपने ससुराल में। तो मेरा थर्ड फ्लोर तक घर बना हुआ है, यहाँ पर हम थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, और थर्ड फ्लोर पे बैठ के हम लोग यहाँ पर, ये है हमारा स्टोर रूम जो मम्मी ने एक बनवा रखा है, ये फ्रिज है, ये मेरी देवरानी की बेटी है शबीबा इनका नाम है, तो बस वो देखने के लिए आई थी। ये यहाँ पर ये किचन, ये मेरी ननद है, इकलौती ननद है, हम सारी सारे बहन भाइयों में वो एक ही ननद है मेरी, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है ये। अभी तो काम कर रही थी, बड़ी बिजी थी, और बस इन अल्फिया को थोड़ा सा रिलैक्स करना था। हमारे यहाँ पर आपको ना चरपाइयाँ बहुत मिलेंगी क्योंकि हमारी मम्मी को ना चरपाइयों का बड़ा शौक है, तो हम लोगों का ज़्यादातर बैठना उठना चरपाइयों पे ही होता है। ये मम्मी को खुला पसंद है, तो जाल लगे हुए हर फ्लोर पे, ऐसे जाल दिया हुआ है ताकि सामान को उतारने चढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सारा वुडवर्क वगैरह भी अभी करवा लिया है, पहले जगह छोड़ी हुई थी, अब ये कम्प्लीट सारा वुडवर्क हो चुका है, तो काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत सा वुडवर्क कराया है मम्मा ने। और यहाँ मम्मा का रूम है अंदर में मम्मी का, और मम्मी ने बोला था चलो नाश्ता लगा दो जल्दी से, तो मैंने फटाफट से नाश्ता लगा दिया था यहाँ पर। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे समोसों का, अभी समोसे और दो तीन मिठाइयाँ और आनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक वीडियो कर लेती हूँ। ये फ्रूट्स वगैरह धो के हमने रख दिए हैं, और मैं आपको अब मिलवाऊँगी अपने शाकी भाईजान से, मिलवाऊँगी नहीं दिखाऊँगी मेरे फेवरेट 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 वाले देवर से। फेवरेट इसलिए बोलूँगी कि ये बहुत समझदार हैं, और माशाल्लाह से जैसे मैं अपने घर की रानी हूँ यानी कि अपनी मम्मी का राइट हैंड हूँ, उसी तरीके से ये हमारी मम्मा के राइट हैंड है यानी कि हमारी सासू माँ के राइट हैंड है। बहुत अच्छे तरीके से अपने मम्मा पापा को समझते हैं, बहुत रिस्पेक्ट, वैसे तो रिस्पेक्ट सारे ही बच्चे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मी के सारे बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मम्मी की। और ये बस ये है कि ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये जो होता है ये ज़्यादा थोड़ा सा आ जाते हैं, समझते बहुत है मम्मी को,
और यहाँ पर हमने नाश्ता नीचे जेंट्सों ने सबने कर लिया था। अब बारी थी लेडीज़ों के नाश्ता करने की, तो मम्मी ने कहा चलो अब घर की लेडीज़ भी बैठ जाओ, तुम लोग सब बैठ के नाश्ता कर लो। मैंने कहा मम्मा मैं वीडियो बना लूँ? उन्होंने कहा बना लो, चलो जो तुम्हें करना है तुम कर लो। मैं कह रही हुर्रे मज़ा आ गया। तो बस उसी उसमें हमने थोड़ा सा अपना आज वीडियो बना रही हूँ, और आपको पता है मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ तो मेरे लिए और भी ईजी था, क्योंकि मैं वहाँ बात नहीं कर सकती थी। अच्छा नहीं लगता ना कि मम्मी बैठी हुई हैं और मैं व्लॉगिंग करूँ जी कि मैं ये हूँ वो, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा एक अदब होता है बहू का, एक लिहाज होता है जो मुझे करना है और हम हमेशा करते आए हैं, तो उनके आगे हम अब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कर सकते, बस एक लिमिट तक ही मैं करती हूँ। और हमारे यहाँ इसको डिसरिस्पेक्ट माना जाता है, क्योंकि मेरी ससुराल में बहुत कंजर्वेटिव नेचर से रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं होती है। जितना हाय हल्ला हम अपने मायके में करते हैं ना, ससुराल में उतना नहीं होता, ससुराल में ससुराल के तरीके से रहा जाता है। तो बस ये मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं और ये जो कैश दे रहे हैं ये लड़की के, ये सब लोग लड़की के यहाँ से आए हैं। अब कौन लड़की का क्या लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग इनसे पहले कभी मिले नहीं हैं, ये हम फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि सडनली बहुत सब कुछ जल्दी में हुआ। तो बस ये हमें लाल खत के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लाल खत लेने के लिए। तो यहाँ पे इनायत अपने दादू के साथ बैठी हुई हैं, और ये लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं, फ्रूट्स का टोकरा है और 11 किलो मिठाई है, वो सब मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये मेरे सबसे बड़े जेठ हैं शाहिद भाईजान, ये आसू जी से भी बड़े, सबसे बड़े यही हैं यहाँ पे शाकिब भाईजान, ये सरवर भाईजान, और सबसे छोटे हैं हमारे शाहरुख भाईजान जो मैंने आपको दिखाए थे येलो टी शर्ट में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि लाल खत के बाद ही वो मिठाई बांटेंगे। तो हमारे में ये होता है कि लाल खत सुनने वाले जितने भी लोग आते हैं, ये सब मोहल्ले पड़ोस के भी कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ पापा के मिलने जुलने वाले हैं, तो वो सब लाल खत सुनने के लिए आए हैं। फिर ये लोग सब लाल खत सुन के चले जाएंगे मुँह मीठा करके। जो होता है मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत कम रस्में होती हैं, बहुत कम बातचीत होती है। इसी तरीके से है मेरा ससुराल, आप लोगों को बहुत ज़्यादा था कि अभी आपका ससुराल कौन सा है कैसा है दिखाओ, तो जी ये रहा मेरा ससुराल। और यही वो कमरा है जहाँ पे मैं दुल्हन बन के आई थी, मेरा सारा सामान, जो जहेज आप लोग पूछते हो ना कि अभी आपका जहेज कहाँ है, तो सब कुछ यहीं पर था। लेकिन अभी जो है ना सब, क्योंकि हॉल जो है ना काफ़ी बड़ा है रूम हमारा जो है, तो इसके अंदर ही सारे मेहमान वगैरह बैठ जाते, गैदरिंग इसमें ही होती है ज़्यादातर, तो इसलिए खाली कर रखा है ये सब। तो ये मम्मी को गिफ्ट्स मिले हैं, मम्मी के लिए आई है सुहेल भाई के ससुराल की तरफ से चांदी की पजेब और सोने के बाले, ये मम्मी की पजेब है, मम्मी को अपनी पजेब का डिज़ाइन बहुत पसंद में आया। और ननद के लिए भी चांदी की पजेब और चांदी की एक अंगूठी आई है और एक जोड़ा आया है। और जब हम मेरी सगाई चढ़ी थी तो मेरे घर वालों ने भी यही सब कुछ दिया था, मेरी सासू माँ के लिए झुमके थे, पापा के लिए सोने की अंगूठी थी और सारे भाइयों के लिए अंगूठियाँ थी। बट वो मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग कहोगे झूठ बोल रहे हो आप। मैं वीडियो एल्बम आपके, सॉरी वीडियो तो शेयर नहीं कर सकती, बट मैं एल्बम आपके साथ शेयर करूँगी, तो सब कुछ दिखाऊँ भी और बताऊंगी भी एज अ प्रूफ के साथ, क्योंकि आप लोग मुझे फिर कहोगे कि ऐसा। ये मम्मी को झुमके बाले बोलते हैं, ये उज्मा की पजेबें हैं जो उज्मा को मिली हैं, सबसे छोटी हैं इसलिए हम इन्हें बाजी नहीं कहते, क्योंकि जब मैं शादी करके गई थी तो उज्मा जो थी वो सिक्स क्लास में पढ़ती थी, तो मैं उनको बाजी बोल रही थी, तो मम्मी ने कहा नहीं बहुत छोटी हैं बाजी मत बोलो। और मैं भाईजान को जितने भी जैसे देवर हैं वो भी आसिफ जैसे सब छोटे हैं, बट मैं उनको भाईजान इसलिए कहती हूँ क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो एकदम से बड़े हो जाते, तो मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, क्योंकि माशाल्लाह सबकी हाइट्स बहुत अच्छी हैं तो मैं उनके नाम लूँ, तो मैंने शुरू से ही सबको भाई बोला है, भाईजान बोला है, सोहेल भाईजान, शाकिब भाईजान, शाहरुख भाई जान। तो बस अच्छा नहीं लगता कि मैं उन सबके नाम लूं, क्योंकि भाभी चाहे कैसी भी हो लेकिन बट रिस्पेक्ट की बात होती है कि अपने छोटों को रिस्पेक्ट देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहू हूँ, सबसे बड़ी हूँ, बड़ी तो नहीं हूँ बट बीच की हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उन लोगों के नाम लेके बोलूँ, क्योंकि वो सब हैं तो ससुराल वाले, ससुराल का मतलब ही रिस्पेक्ट देना होता है। बस मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया है। और ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और अपनी पोती को लेके, शबीबा उनकी गोद में है, और ये जेठानी जो है वो लाल खत खोल रही हैं।
जितने लोगों को पॉसिबल हो सका मैंने दिखाया है, जो लोग अनकंफर्टेबल थे मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बार बार बता रही हूँ कि मतलब ससुराल और मायके में फ़र्क होता है। तो बस यही फ़र्क है कि वहाँ रिस्पेक्ट, हमें एक एक बंदे को रिस्पेक्ट और एक एक बंदे का कहना मानना पड़ता है। मायके में आप अपनी चला लेते हो बट ससुराल में नहीं चलती है, वो उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और सही भी यही है कि जैसे बड़े बोले वैसे करो, जो जिसके कस्टम है रूल्स हैं उन्हें सबको फॉलो करना चाहिए। तो बट ये 11 किलो मिठाई आई थी शुरबैजन के यहाँ से, ये लड्डू पैक हो रहे हैं, मम्मी ने 5 किलो लड्डू पहले ही मंगवा लिए थे। ये हैं हमारे सबसे छोटे देवर शुएल भाईजान, तो ये हमारे एंग्री यंग मैन जिसे कहते हैं ना, ये वो हैं। बहुत कम बोलते हैं वो, 100 नहीं कहते, एक बोलते हैं बट बहुत कम से बात करते हैं। ये सरवर भाईजान हैं, शुल भाईजान के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और कोलीग हैं। और यहाँ पर मैं फिर दे रही थी, वो कुछ भाभी कुछ दे दो जिसमें मैं ये लड्डू डाल के लेके जाऊँ, तो मैंने उनको ये डिश दे दिया। ये डिश में तो शाहरुख खान की सॉरी शाहरुख भाईजान की बात कर रही थी कि बहुत कम बोलते हैं वो, समझते सब कुछ है बट टॉकेटिव नहीं है बिल्कुल भी। मैं ही हूँ उनसे 2-3 बार कुछ बात बोलूँगी तो वो एक बात का जवाब देते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। हमारे ससुराल में बातचीत थोड़ी सी कम ही करते हैं, सबको आदत नहीं है बातचीत करने की, बस एक मैं ही हूँ जो बहुत बोलती हूँ वहाँ पर। ये सरवर भाई कह रहे हैं कि शुल भाई जान के लाल खत के लड्डू खा लो सब जने। तो आप सब लोग भी दुआ करिएगा अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारे घर पे नई दुल्हन आ जाए। और जैसे अगर कुछ होता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे का वीडियो, मतलब जो रस्म हुई थी शुएल भाईजान के साथ वो वीडियो मेरे पास नहीं है, मैं किसी से मंगवा रही हूँ। मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए अभी ज़्यादा चीज़ नहीं दिखाई, बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर ये मम्मी का सूट है ग्रीन कलर का जो आया हुआ है, और ये हम देवरानी जेठानियों का ग्रीन कलर का जो रखा हुआ है, चार का बंच, हम चार देवरानी जेठानी हैं, उनके भी सूट आए हैं। ये येलो वाला सूट किसका हमें नहीं पता, और इनकी फूफो के भी सूट आए हैं, फूफा जी के लिए भी कपड़े आए हैं, और मम्मी की जो देवरानी जेठानी है उनके लिए भी कपड़े आए हैं। माशाल्लाह से पूरे घर के कपड़े आए हैं, होंगे जेंट्स और लेडीज़ काफ़ी क्वांटिटी में कपड़े हैं, मैंने गिना नहीं था बट अच्छी खासी क्वांटिटी है कपड़ों की, और सारे ही बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जी, जिसने बेटी दे दी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, उसने सब कुछ दे दिया, तो बस इंसान का दिल देखना चाहिए। ये गिफ्ट्स वगैरह से कुछ नहीं होता बट ये रीत है, रस्म है जो होती है तो सभी करते हैं, हमारे घर वालों ने भी किया था, अब और भी करेंगे सब, हम भी अपनी नंद के लिए ये सब कुछ करेंगे। तो लेना देना हमारे यहाँ चलता है और बहुत बहुत सारा चलता है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता कुछ नहीं, क्योंकि ये होता ही है, कस्टम है, मैंने नहीं बनाया, शुरू से ऐसा ही है, हमने भी ये सब चीजें कर चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये जो हैवी सूट दिख रहे हैं, बस कलर सबके अलग है, पैटर्न सबके एक है, वो हैं हमारे देवरानी जिठानियों के। और ये मिठाइयाँ रखी हुई हैं, फ्रूट्स का एक टोकरा आया था वो रखा हुआ है। इस तरीके से सारा उस दिन फंक्शन हुआ था, बहुत ही, मैंने आपको बताया था ना, शांतिपूर्वक, वहाँ किसी की आपको आवाज़ नहीं मिलेगी, बहुत शांति तरीके से होता है। और हमारे यहाँ हुआ ओए हे, कि फिर देखो हमने क्या रौनक लगा देते हैं, हंसी मजाक ये वो डांस डून सब हो जाता है। बट यहाँ पर अभी पता है किसी को पता भी नहीं कि मैं डांस वांस भी करती हूँ, मतलब ऐसे सबको मालूम है कि हाँ भाभी के यहाँ का कल्चर अलग है, सबको पता है, शादियों में भी आते हैं, बट मतलब ऐसे मैं किसी के सामने आके ऐसे नहीं नाचती हूँ, इधर उधर डांस वांस कर लेती हूँ। और ये आ गए हमारे दूल्हे साहब यानी कि शोएल भाईजान, इन्हीं का था फंक्शन। मैं पूरा वीडियो मतलब एक इनके साथ सॉरी फोटो सेशन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे ने तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में हो गया था बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैंने थोड़ी सी मेडिसिन खा के ना मैं आराम कर रही थी, तो फिर ये सारे भाई जो हैं बातचीत करते हुए वहाँ पर दिख रहे थे। शबीबा बोल रही थी बड़ी मम्मी आप क्या कर रहे हो, मैं शबीबा की बड़ी मम्मी लगती हूँ, तो शुएल भाईजान इधर देख रहे थे, मैंने बोला था भाई जान इधर देखो, तो वो देख रहे थे बट क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ लाइटिंग बहुत कम होती है, पता नहीं क्यों इतनी कम लाइटिंग रखते हैं, बट मम्मी को ना ये ज़्यादा लाइटिंग शायद पसंद नहीं है। यहाँ मम्मी आराम से लेटी हुई है, हमारी जेठानी बैठी हुई है, तो अब आपके सामने दिख गई हैं आपकी अप्पी यानी कि मैं। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन धो दिए थे सारे के सारे, अब मैं सेटिंग कर रही हूँ किचन की, तो मैं यही सोच रही थी कि इनको सेटल कहाँ करूँ, कौन से ड्रॉज में बर्तन लगाऊँ,
तो उज्मा बोल रही थी कि भाभी आपको जहाँ सही लगे ना आप वहाँ लगा दो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने नीचे वाला ड्रॉज खोला, मैंने कहा उज्मा मैं यहीं रख देती हूँ बर्तन, बाकी बाद में आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर चाय बन रही है, जेठानी बना रही है चाय सबके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाय बहुत चलती है। मतलब चाय का पतीला ना गंदा साफ होने का नंबर ही नहीं आ पाता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय। तो वहाँ पर शुएल भाई जान कह रहे थे कि भाभी मेरे को देखो, मैं भी आपका थोड़ा सा वीडियो बना दूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊँ कि देखो जी हमारे यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन हुआ था और कितने लोग आए थे। मैंने कहा अच्छा चलो जी बना लो। कहते आप ही व्लॉगिंग कर सकती हो, हम वीडियो नहीं बना सकते आपका। मैंने कहा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो, आपको जिसमें खुशी मिले वैसे कर लो, आप बस खुश रहो क्योंकि आज के दिन आपके नाम है हमारा। फिर वो हंस के चले गए। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको हल्की सी झलक में इसलिए नजर आई क्योंकि पहले से वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, मैंने सारे बर्तन धोए थे। अब बारी थी हम सबके खाना खाने की। मम्मी ने बोला अब सारे जने बैठ जाओ, घर वाले क्योंकि सारे टोटली मेहमान जा चुके थे, अब घर वाले थे। तो मम्मी ने कहा चलो अब तुम लोग भी बैठ के खाना खा लो। तो मैं तो नहीं खा रही थी, मैंने तो ननद के साथ और जेठानी जी के साथ खाना खाया था। इनायत को मैं खाना खिला रही थी। यहाँ पर सरवर भाई बैठे हुए हैं, यासिफ जी बैठे हुए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना एक ही दस्तरखान पे हस्बैंड वाइफ बैठ के खाना खाए, वो भी मम्मी के सामने, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो मैं इसलिए बच्चों को खिला रही थी। हाँ बहुत जानो कि हम लोग एक ही दस्तरखान शेयर कर रहे हैं, वरना तो जब नई नई शादी हुई थी ना तो ऐसा होता था कि मैं अंदर होती थी और ये बाहर होते थे, क्योंकि चलता है यहाँ पर इस तरीके का चलता है, मैं का डिस्टेंस होता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ससुरालों में, किसी के यहाँ कम किसी के यहाँ ज़्यादा, बट रूल रूल्स होते हैं। और मुझे मैं फॉलो आज भी उन्हीं रूलों को करती हूँ जो 10 साल पहले थे ना। मम्मी हालांकि बोलती हैं कि मत करो, लेकिन बट मेरे को नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे मम्मी सो गई थी लेकिन फिर भी वो अब हमारा खाना पैक कर रही हैं। ये देवर के दोस्त आए हुए थे नीचे जिन्हें हमने खाना दे दिया था, अब वो आ गए। तो मम्मी ने कहा कि नहीं खाना लेके जाओ, मैं मना भी कर रही थी कि मम्मा रहने दो ना, क्या करना है खा तो लिए, कह रही नहीं, और सबको दे देना, मतलब यहाँ पर मम्मी के घर पे के लिए भी वो लोग।